किसी भी ब्राउजर में आपको लिखना है समग्र, पोर्टल पे जाना है, समग्र आईडी लिखेंगे। जैसे ही समग्र आप पोर्टल पे आपने ओपन किया है, आपको इस टाइप का दिखेगा ई केवाईसी के लिए क्या करें, क्लिक करें। तो जैसे आपने ई केवाईसी के लिए क्लिक किया है तो सदस्य समग्र आईडी लिखा आएगा। इस वाले बॉक्स में आपको अपने 2 अंकों के समग्र आईडी नंबर डालने, बात समझ आ गई। उसके बाद में समग्र आईडी नंबर जैसे डालेंगे उसके बाद में कैप्चा आएगा, या नीचे क्या आएगा, कैप्चा आएगा। तो कैप्चा डालना है आपको, क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट अगले स्टेप क्या है, कैप्चा की। समग्र आईडी डाला 2 नंबर का, 2 नंबर का डालने के बाद में कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा कुछ भी आ सकता है, EYJ 5 अक्षर का कैप्चा, 4 अक्षर का आता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे क्लिक करेंगे आपका ये मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से अपडेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसमें नया मोबाइल नंबर डालकर अपडेट करके गेट OTP, मतलब जैसे आपने नया मोबाइल नंबर डाला उसके थ्रू क्या आ जाएगा, आपके पास OTP आ जाएगा। जैसे आपने OTP एंटर किया उसके बाद ये OTP एंटर करें, ये वाला बॉक्स में OTP एंटर हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षित करें, सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड पे ले जाएगा, आपके 12 अंकों का जो आधार कार्ड होता है वहाँ, वो 12 अंकों के आधार कार्ड, जिस सदस्य का नाम आपने आईडी डाली है उसी का कौन सा लगेगा यहाँ पे, आधार कार्ड। बात समझ आई, यहाँ जितने नाम पढ़ा आपने के 9 अंकों का समग्र डाला है, यहाँ पे उसी के 12 अंकों के आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड में नंबर डालते ही फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, आधार से OTP वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे OTP डालेंगे, सुरक्षित करेंगे, लिखा हुआ आएगा आपका जो है EKYC प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है और ये 24 घंटों में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर